सीरियल खिचड़ी में चक्की की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस ऋचा भद्रा तो सबको याद ही होंगी। इस सीरियल में उनके किरदार को लगी काफी पसंद किया था। खिचड़ी शो में उनके डायलॉग बड़े बड़े लोग अभी भी फैंस को याद है। इस शो में चक्की और उनके दो भाई चैकी और आराध्या जो अपनी अजीब हरकतों की वजह से खूब हंसाया था। रिया ने खिचड़ी के बाद बाबू और बीबी और मिसेस तेंदुलकर के अलावा मैंने गुमराह कई एपिसोड किए थे। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन अब हाल ही में रिचा ने टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम से बात करते हुए कहा कि टीवी पर रोमांटिक सीन्स करने पर एक्सपोज करने से मेरी फैमिली कंफर्टेबल नहीं थी। मैं कभी भी दुबली पतली नहीं थी और आजकल टीवी दुनिया की जैसी लड़कियाँ चाहिए मैं वैसी नहीं हूँ। मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ काफ़ी त्याग किया था। ऋचा ने आगे बताया कि मैंने कभी कास्टिंग कोच का सामना नहीं किया, लेकिन शादी के बाद ऑडिशन के लिए गई तो मुझे कई जगह समझौता करने के लिए कहा गया। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे खुद को खुश करने के लिए कहा था। इसके बाद मैंने टीवी इंडस्ट्री छोड़ गई और मैं अपनी शादी और मैरिज की लाइफ में बिजी हूँ। सैड न्यूज़ की रिपोर्ट।